फ्रेंड्स भूख काफ़ी तेज़ लग रही है और यहाँ पे कुछ मिल शॉप भी नहीं दिख रहा है। बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं तो उसमें ज़्यादा महंगी होंगी। चले थोड़ा रेस्ट करते, आगे बढ़ते, फिर देखते कहाँ मिलता है। जय श्री महाकाल दोस्तों। दोस्तों मैं कर रहा हूँ मुंबई से केदारनाथ नंगे पांव पैदल यात्रा और आज मेरा पांचवा दिन है। और जैसा कि कल मैं बताया आपको कि एक जो होटल था, होटल के पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसमें ही रुका हुआ था क्योंकि कल रात को 10 बज गए थे और घाटी चलते ही जा रहा था, घाटी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अभी फिलहाल मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं, वहाँ से 2 किलोमीटर हम आगे आ गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा, ये देखिए अभी ये कुछ ऐसा नज़ारा है, आप देख सकते हो। हम इस साइड से आए हैं घाटी से उतर के और अभी देखिए सूरज दादा भी निकल गए हैं धीरे धीरे, अभी धूप हो रहा है धीरे धीरे। बाकी ये कुछ ऐसा नज़ारा, हमें सीधा चलना है यहाँ से, बहुत ही कम दूरी रह गया है महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर और ये पूरा कुछ ऐसा नज़ारा है। तो फ्रेंड्स चलिए अभी तो हम 2 घंटा और चलेंगे, आई थिंक महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर में घुस जाएंगे। उसके बाद गुजरात में कैसा लोगों का प्यार देखने को मिलता है हम आपको दिखाते रहेंगे, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। तो चलिए आज की यात्रा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज की यात्रा में क्या देखने को मिलता है। तो आज की यात्रा स्टार्ट करने से पहले एक बार जोर से बोलते प्रभु श्यावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों चलते चलते दोपहर के 1 बज चुके हैं और अभी हम तकरीबन दहानु पहुंच चुके हैं। यहाँ से तकरीबन महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर तकरीबन 5 किलोमीटर तो महाराष्ट्र बॉर्डर है और गुजरात बॉर्डर अभी यहाँ से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर बचा होगा। बाकी अभी हम एक ढाबे पे रुके हैं खाना खाने के लिए, आप देख सकते हो इसमें क्या है, दही रोटी और सलाद। और ये भैया की तरफ से, भैया आपका नाम क्या है? विजय सिंह। और आप कहाँ के रहने वाले हो? यूपी उत्तर प्रदेश। यूपी उत्तर प्रदेश में कहाँ? जौनपुर जिला। अरे वाह, हम भदोही के बाजू में ही है। और यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ हम ट्रक चलाते हैं भाई, ऊपर कोई फिक्स नहीं है। अच्छा, ऑल इंडिया परमिट? ऑल इंडिया परमिट। बहुत अच्छा लगा भाई, धन्यवाद भैया इसके लिए। कोई बात नहीं यार, चले हर हर महादेव बोल दो एक बार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सो दोस्तों अभी चलते चलते शाम के 5 बज चुके हैं और अभी हम बस मात्र 2 किलोमीटर और रह गया यहाँ से महाराष्ट्र और गुजरात का बॉर्डर। बाकी आप यहाँ से देख सकते हो, ये देखिए इस पे लिखा है अहमदाबाद 402 किलोमीटर, दाड़ू रोड रेलवे स्टेशन के लिए राइट लेफ्ट मारेंगे 24 और सिलवासा 17। और सामने बोर्ड पे लिखा है खानवेल 17, दाड़ू 24 और वापी 38 किलोमीटर है यहाँ से। बाकी धूप अभी तक है फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो कुछ ऐसा नज़ारा। तो अभी धीरे धीरे धूप तो जा रहा है, चलिए देखते हैं। ये देखिए सामने सूरज को, चलिए चलते आगे। तो दोस्तों अभी हम इस साइड से होते हुए आए हैं और अभी बज गए हैं शाम के 6 और हम पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र चेक बॉर्डर पोस्ट पे। देखिए सामने आप देख सकते हैं, यह है महाराष्ट्र का बॉर्डर चेक पोस्ट। देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां भी खड़ी है जो यहां से चेकिंग होकर बाहर जाती हैं। बाकी अभी सनसेट भी होने ही वाला है तो अभी हमें चलना है सीधा आगे, यहाँ 2 किलोमीटर बाद हमें गुजरात में इंटर हो जाएंगे। तो चलिए। तो दोस्तों चलते चलते रात के 8 बज चुके हैं और हम फाइनली महाराष्ट्र से निकलने के बाद गुजरात बॉर्डर में इंटर कर चुके हैं और अभी हम काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं तो अभी हम बैठे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ, ये देखिए हम इस साइड से आए हैं महाराष्ट्र बॉर्डर था और ये अंदर हम अभी इंटर हो चुके हैं गुजरात के। ये देखिए अभी हम यहाँ पे बैग रख के बैठे हैं और ये सामने एक पेट्रोल पम्प है नायरा का, ये देखिए। तो इसी पेट्रोल पम्प के बाहर अभी हम रुके हैं। फ्रेंड्स भूख काफ़ी तेज़ लग रही है और यहाँ पे कुछ शॉप भी नहीं दिख रहा है, बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं तो उसमें ज़्यादा महंगी होंगी। चले थोड़ा रेस्ट करते, आगे बढ़ते, फिर देखते कहाँ मिलता है। तो दोस्तों अभी कंटिन्यू चलते चलते रात के 11:30 बज गए और अभी तक हमें कोई भी रुकने का जगह नहीं मिला। हम पूरा हाईवे टू हाईवे जाते जा रहे और जो मेन गोवा का स्टेट बॉर्डर हाईवे वो यहाँ से अभी 10 किलोमीटर और है। और बाकी अभी का ये नज़ारा देख रहे हो पूरा रोड सन्नाटा है। देखिए पूरा रोड सन्नाटा है, रोड पे बस गाड़ियाँ ही चल रही है बड़ी बड़ी। और अभी हम पहुँच चुके हैं सावरोली में, देख सकते हो। और अभी हमको एक भैया ने दिया था ये तरबूज, तो अभी तरबूज बैठ के खाते हैं। फ्रेंड्स अभी ये तरबूज खा के काम चलाना पड़ेगा क्योंकि भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी है, बट आज खाने का बंदोबस्त कुछ नहीं हो पाया है क्योंकि हम ट्रैवल विदाउट मनी कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो अभी इधर थोड़ा बैठ के रेस्ट करते हैं, खाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं आज कुछ स्टे होएगा तो नहीं तो रात भर चलना पड़ेगा। चलिए। तो दोस्तों कंटिन्यू चलते चलते रात के 1 बज चुके हैं बट हमें कोई भी होटल लेने का जगह नहीं मिल रहा है। तो अभी एक ढाबा के बाजू में दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ऐसा शॉप वगैरह बनाया गया है, ये तो बंद है फिलहाल अभी। तो अभी यहीं पे सोच रहे हैं यहीं पे मैट वगैरह लगा के बिछा के सोते हैं क्योंकि अभी दूर दूर तक कुछ भी ऑप्शन नहीं है। देख रहे हो सामने मेन रोड गया, पूरा चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज यहीं पे स्टे करते हैं क्योंकि रात के 1 बज गया, थक भी बहुत गए हैं और खाना तो आज हमको मिला ही नहीं।
खाने का बंदोबस्त नहीं हुआ, आज ऐसे ही सोना पड़ेगा पानी पी के। चलिए आज की जर्नी यही थी, आज की जर्नी एंड करते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुछ नए उमंग नए जोश और नए उल्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दही रोटी और सलाद, और ये भैया की तरफ से। भैया आपका नाम क्या है? विजय सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हो? यूपी उत्तर प्रदेश। यूपी उत्तर प्रदेश में कहाँ? जौनपुर जिला। अरे वाह, हम भदोही के बाजू में ही है। और